क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? जाफर भाई के निकाह करने से वो उनकी बीवी नहीं हो गई, आपके मुकाबले कभी नहीं आ सकती वो। कैसे कर सकता है जाफर ऐसे? कैसे मेरे शरीर की काकना को यूं निकाह करके घर ले आए? क्यों? जाफर के निकाह में होकर बरसों से बीवी तो मैं भी नहीं बन सकी उसकी, मगर जाफर के नाम की छांव तो थी ना मेरे सर पर, अब वो भी भट गई। तुमने देखा नहीं उस लड़की को? वो मामूली सी हैसियत की लड़की किस एतमाद के साथ सबके सामने बता रही थी कि वो कौन है। अरे मैमुना भाभी, देखिए जाफर भाई उसका एतमाद कैसे दो मिनट में तोड़ते हैं। और पप्पू अम्मा, पप्पू अम्मा उसकी हैसियत याद दिला देंगी उसे, वो है क्या चीज। अब जो भी हो, मगर जाफर ने मेरे बरसों के एतमाद को तो तोड़ दिया ना। वो भूल गया कि शहीर चला गया इस दुनिया से, वो ये भी भूल गया कि ये लड़की वजह है उसकी मौत की, वो ये भी भूल गया कि भले हमारे बीच में मोहब्बत ना हो सकी, मगर बीवी तो मैं ही थी ना उसकी। बाद रात जाफर की कुर्बत के ख्वाब और दिल में उसके प्यार की आरजुओं ने फिर से सर उठाया था। देखो इसे दो मिनट में इस लड़की ने मेरे ख्वाबों मेरी आरजुओं के 100 टुकड़े कर डाले। मुना भाभी, क्या हो गया है आपको? आप जैसी मजबूत औरत अचानक एक झोंके से लरसने लगी। नहीं, चले उठे, बताएं उसे कि आपकी हैसियत इस घर में है क्या। चले उठे। अरे उठे मैमुना भाभी, किस बात का इंतजार कर रही हैं? चले।